नमस्कार, होममेड टेस्टी बाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आम का पन्ना बनाएंगे, जो गर्मियों में बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है और पीने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। साथ ही इसमें मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं आम का पन्ना। उसके लिए यहाँ मैं कच्चे आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी वेराइटी का कच्चा आम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सख्त आम लिया है मैंने। साथ ही पुदीने की थोड़ी सी पत्तियाँ लेंगे और साथ ही लेंगे 200 ग्राम चीनी। और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 चम्मच सौंफ। सौंफ को हम थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं ताकि इसमें जो कलर होगा वो अलग छूट जाएगा और भीगने से इसका अच्छा टेस्ट आएगा। 2 चम्मच लेंगे भुना हुआ जीरा, 2 चम्मच काला नमक, 15-16 काली साबुत मिर्च के दाने, 1 छोटा इंच अदरक का टुकड़ा और आधा चम्मच पिसी हुई इलायची का पाउडर। तो हम क्या करेंगे, इन आमों को अच्छे से वॉश कर लेंगे पहले और फिर इनका छिलका उतार कर अच्छे से इनको हम कट करेंगे। तो ये जो ऊपर का सिरा होता है वो काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही कैसला होता है। इसलिए ऊपर से अच्छे से इसके कट कर दीजिए और छील कर इनको हम पीसेस में काटेंगे। तो ये लीजिए, मैंने सब कुछ छील लिया है, अब हम इनको कट करेंगे। तो ये कट करने में अंदर से जो गुठली निकलती है उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि कई बार हमारी गुठलियाँ कच्ची निकलती हैं और कई बार हमारी गुठलियाँ पकी हुई रेशे वाली निकलती हैं। तो गुठली को हमें इनको बिल्कुल अलग कर देना है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि आम पना बनाने के लिए साबुत आम को पकाया जाता था, लेकिन अब हम आसान बनाने के लिए अब छिलका उतार कर हम इनको बाद में पका कर तैयार करते हैं। तो ये लीजिए, मैं इनको सबको कट कर देती हूँ। इसके बाद हम इनको पकाएंगे। तो चलिए एक पैन लेंगे, पैन में हम इनको डाल लेते हैं और साथ ही इसमें 2 कप डालेंगे पानी। हमें इनको गलाना है, पल्प बनाना है। काली मिर्च भी यहीं पर डाल देंगे और अदरक का भी हम छोटा छोटा टुकड़ा करके इसमें मिला देंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब लिड लगाकर हम इसे 4 से 5 मिनट तक पकने के लिए रख देते हैं। आप बीच में चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आम जल्दी गल जाता है। तो आप चेक कर लीजिए, 4 मिनट बाद मैं चेक कर लेती हूँ। तो हम थोड़ा कट करके देख लेते हैं। ये लीजिए, हमारा आम पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा कर लेते हैं। और ये लीजिए, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, इस पल्प को हम डाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। और साथ ही इसमें हम यहाँ पर देखिए डालेंगे सौंफ, जो हमने भिगो कर रखी थी। सौंफ का पानी इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ सौंफ के दाने डालेंगे। और यहीं पर हम इसमें जो हमें चीनी पीसनी है, इसमें चीनी भी यहीं पर मिला देंगे। तो ये लीजिए, चीनी डाल लेते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाएंगे ग्राइंडिंग जार में। तो ये लीजिए, मैंने इनको पीस लिया है। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ पर छानूंगी, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो आम के रेशे होते हैं या जो हमने अदरक डाला है उसका जो रेशा होता है या कोई पीस रह जाता है, तो ये छानने से अलग हो जाएगा और हमें बिल्कुल अच्छा पल्प मिलेगा, ताकि जब हम पिए तो उसका टेस्ट हमें अच्छा आए, ताकि वो उसके मुँह में ना आए हमें। और ये लीजिए, मैंने सारे पल्प को छान दिया है। अब आप ऊपर देख सकते हैं, जो भी आम के रेशे थे या जो अदरक का कोई पीस रह गया था वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो ये लीजिए, स्मूथ पल्प हमारे पास तैयार है। अब क्या करेंगे, हम अपने मिंट के जो हमारे पुदीने के पत्ते थे उसको एक ब्लेंडर में डालेंगे और आधा कप उसमें पानी डालेंगे और इसको हम एक बार ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना हमें, एक बार चला लेंगे। ये लीजिए, अब इसको मिलाएंगे, साथ ही डालेंगे इलायची का पाउडर, 2 चम्मच अपना काला नमक और 2 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब हम इनको सबको डालने के बाद बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जितने हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से इवनली इसमें मिक्स हो जाएं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, गर्मियों में बहुत ही ठंडक देता है। और ये लीजिए, मैंने सबको मिक्स कर दिया है, कितना अच्छा कलर आया है इसका। आप इसको पूरे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और आपका जब भी मन करे आप तभी डालिए और बनाकर ठंडा ठंडा पीजिए। ये लीजिए, मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको जब हम सर्व करेंगे तो 2 से 3 चम्मच आप ग्लास में ये पल्प डालिए
और 2-3 क्यूब्स डालिए आइस के, और ऊपर से हम डालेंगे बिल्कुल ठंडा ठंडा चिल्ड पानी। बहुत ही बढ़िया टेस्टी आमपना बनकर तैयार होता है। बहुत ही रिफ्रेशिंग है ये गर्मी में पीने के लिए, साथ ही हमें ठंडक भी देता है, हमें जो गर्मी में लू होती हैं उनसे भी बचाता है, और इसमें मिनरल विटामिन होने के कारण हमें बहुत ही फ़ायदा भी देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को हिट करें, और जल्दी ही मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।